तो भाई दुख दर्द पीड़ा जलन अकड़ इत्यादि भाई ये सब हो रही है एसआरके के हेटर्स को। तो भाई जवान थिएटर्स में झंडे गाड़ रहे हैं, भाई शाहरुख और टकला लुक भाई थिएटर्स फाड़ रहे हैं। तो भाई यार 3 घंटे में 300 ट्विस्ट और 300 एक्शन सीन आपको देखने को मिलेंगे जो कि आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। एंड भाई बॉयकॉट गैंग को एक ही जवाब है कि भाई बॉयकॉट की बनाओ बत्ती और कान में डाल ले। तो ब्रो मूवी की स्टोरी की बात करें तो भाई स्टोरी एक ऑर्डिनरी मैन की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कहानी है। विक्रम राठौर नाम का एक जिंदा बंदा होता है जो कि भाई गलत काम करता है सही काम करने के लिए। अब भाई वो गलत काम क्यों करता है, भाई वो गंजा क्यों है, उसके इतने सारे लुक क्यों है, एंड भाई वो ट्रेन हाईजैक क्यों करता है, भाई इसका जवाब आपको मूवी के स्टार्टिंग में मिल जाएगा। एंड भाई मूवी की एंट्री और एंड बहुत इंपॉर्टेंट है तो भाई मिस मत करना। एंड भाई जिस तरह से भाई एटली ने शाहरुख को जो एंट्री दी है, भाई आज तक मुझे नहीं लगता कि किसी हीरो की ऐसी एंट्री हुई होगी। एंड भाई अगर जवान में कोई और एक्टर होता तो भाई वो ये रोल नहीं कर पाता, हंसते हंसते कॉमेडी करना, हंसते हंसते इमोशन में खो जाना, एंड भाई हर डायलॉग को सही मायने में बोलना, भाई ये कोई किंग खान से सीखे। एंड गुरु काफ़ी लोगों को लग रहा था कि भाई इसका जो मेन बेस है भाई वो एक्शन है, मास एक्शन, बट भाई ऐसा नहीं है। मास एक्शन तो है ही है बट भाई इसकी जो स्टोरी लाइन है वो भाई काफ़ी इमोशन कर देती है आपको। एंड भाई मूवी की स्टार्टिंग में एक लड़की होती है एंड भाई उसका एक पिता होता है किसान पिता, भाई उनकी जो स्टोरी दिखाई गई है भाई वो सरकार को और समाज को एक मैसेज है। एंड भाई उसकी स्टोरी सच में आपको रुला कर जाएगी। एंड भाई दीपिका का सीन भी आपको रुला कर जाएगा, माँ बेटे की हमें काफ़ी अच्छी स्टोरी दिखाई गई है। एंड उसके बाद भाई सिगार सीन, भाई साहब सिगार सीन भाई जब थिएटर्स में आता है तो भाई पीछे इतनी सीटियाँ और इतनी ताली बजती हैं भाई आपके कान की बत्ती बन जाएगी। एंड भाई इसके बाद हथौड़ा और बेल्ट से जो भाई पीटते हैं, भाई साहब मैंने आज तक किसी मूवी में ऐसा सीन नहीं देखा। तो भाई यार घर में बैठकर क्या कर रहे हो, जाकर टिकट कटाओ और भाई हिंदुस्तान की जान किंग खान जवान को देखो। तो भाई मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बट भाई ये मूवी डे वन पे भाई 70 एंड भाई 75 करोड़ तो कमाएगी। तो भाई आप लोगों का क्या ओपिनियन है, अगर देख ली तो भाई कमेंट में बताओ कैसी लगी, नहीं देखी तो देखकर आओ फिर बताओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद, वंदे मातरम।